फ्रेंड्स, जीत रंगोली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए एक सुंदर सा क्रिएटिव संस्कार भारती डिज़ाइन के साथ में एक बड़ा सा कलरफुल रंगोली बनाना सीखेंगे, और जिसमें दिया, आकाश कंदील गोपद में होगा। तो एक दो सर्कल बनाना है। पहले जो राउंड है वो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक सर्कल बनाना है, और दो सर्कल के बीच में 14 सेंटीमीटर लेके और एक सर्कल बनाना, बड़ा सर्कल। ये दोनों के बीच में हमें काम करना है। तो पहले वाइट रंगोली से पहले दोनों सर्कल को आउटलाइन कर लीजिए, इसके बाद रेड कलर भरना है। जो आउटसाइड है आउटसाइड में आप फिलर से फिल कीजिए, और अंदर जितने बड़ा जगह है वहाँ पर आप जो चाय छन्नी होता है स्टील के उससे फिल कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर दो कलर फिल किया, रेड ऑरेंज, और उसके अंदर थोड़ा सा लाइट ऑरेंज, और लाइट ऑरेंज के अंदर थोड़ा सा येलो कलर। अभी रेड और ऑरेंज ज़्यादा दिख रहे स्ट्रोक, इसलिए दोनों को प्लास्टिक वाले छन्नी में लेके इनको ब्लेंड करना है। और रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिला के साइड में रेड को थोड़ा सा डार्क करना है, हल्का सा, मतलब एकदम कम ब्लैक मिलाना है रेड में, तो हल्का सा डार्क दिखेगा। ये अंदर रेड है तो बाहर थोड़ा सा ग्रीन देंगे, यानी अंदर लाइट ग्रीन और बाहर डार्क ग्रीन। आउटलाइन पहले रंगोली फिलर से कीजिए, और जितना बड़ा जगह है वहाँ पर जो चाय छन्नी में फिल कीजिए। थोड़ा फिनिशिंग भी आता है इससे, और काम भी फास्ट हो जाता है। फिर दोनों कलर को प्लास्टिक वाले छन्नी में मिलाइए, और दोनों कलर के बीचों बीच इनको फिल कीजिए, तो दोनों कलर एक दूसरे से थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा। अभी जो फनेल है, फनेल में वाइट रंगोली लेना है, और रेड रंग राउंड में डॉट देना है वाइट के, और अंदर अभी थोड़ा सा अंदर एक लालटेन बनाना है, यानी आकाश कंदील। तो आप पहले वाइट रंगोली से ड्रॉ कर लीजिए, और उसमें अपने मनपसंद का कोई भी रंग भर दीजिए अलग अलग, तो और उसके बाद उसको आउटलाइन कर लीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी सेंटर पॉइंट में एक दिया, एक आकाश कंदील, और उसमें लिखेंगे शुभ दीपावली, और एक लक्ष्मी माता के पैर भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉ करके कलर भर लीजिए, और उसके ऊपर जो छोटे फेविकॉल बॉटल है उससे आउटलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये सुंदर सा एक आकाश कंदील बन गए। यहाँ पर आप लिखेंगे शुभ दीपावली, अब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हैप्पी दिवाली। ठीक है, अभी जितना जी नीचे जगह है यहाँ पर एक दिया बनाएंगे फास्ट में। तो दिया में यहाँ पर स्काई ब्लू और डार्क ब्लू भरना है, दोनों को थोड़ा सा मिला देना है। ऊपर ब्राउन कलर भरना है, और जो फ्लेम है फ्लेम में येल्लो ऑरेंज और रेड भर देना है। व्हाइट से आउटलाइन देना है, थोड़ा सा डिज़ाइन देना है डॉट के, और येल्लो के कुछ डॉट देना है। तो ये एक सुंदर सा छोटा सा दिया बन जाएगा। एक साइड में लक्ष्मी माता के पैर बनाएंगे, और बीच में जो सेंटर में जगह है वहाँ पर आप दिया रख सकते हैं। जो डार्क ग्रीन कलर के साइड में आप येल्लो के डॉट दे सकते हैं, आपके पास येल्लो कलर ज़्यादा है तो, नहीं तो आप जो लाइट ऑरेंज कलर है ये भी दे सकते हैं। जो ग्रीन कलर के सर्कल था वहाँ पर कुछ फूल बनाना है, यानी बैंगल रहने चूड़ी रखना है, आजू बाजू डॉट देना है, टूथपिक से खींचना है, और अंदर एक पिंक कलर का डॉट देके उसको कोई भी एक ढक्कन से उनको फ्लैट करना है, ठीक है। तो दोनों फूल के बीच में जितना जगह बचा है यहाँ पर एक डिज़ाइन दे दीजिए, गालीचे रंगोली की डिज़ाइन, ठीक है। सिंपल सा डिज़ाइन है ताकि वो जो गैप दिख रहा था जगह, वो जगह पैक हो जाएगा। अभी बाहर आप थोड़ा सा इस प्रकार के हाफ राउंड में पेटल बना लीजिए, हाफ राउंड के डिज़ाइन में, और अपना मर्जी से जो भी आपके पास कलर है सभी कलर आप फिल कीजिए। यानी बाहर थोड़ा मल्टी कलर दिखना चाहिए, और ये जो मल्टी कलर भरे यहाँ पर इनको गोपद्मा के डिज़ाइन देना है। आप फनेल या फेविकॉल बॉटल से कर सकते हैं, ये लाइनिंग गोपद्मा बना सकते हैं, और इसके बाद गोपद्मा में यानी बीच में एक लाइन और दो साइड में तीन तीन, यानी 6-7 लाइनिंग देना है। तो सभी जो गोपद्मा है सभी में लाइन दीजिए। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अपना जो रंगोली है थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा, और जो गोपद्मा का अंदर भी थोड़ा ज़्यादा खाली जगह अगर लग रहा है तो वहाँ पर भी कुछ डॉट देना है, और
कोई भी एक ढक्कन से उनको फ्लैट करना है ना। तो ये सुंदर सा बड़ा सा एट्रैक्टिव रंगोली दिवाली में बना सकते आप, बहुत सुंदर लगेगा। और इसके साइड में जब दिया लगाओगे तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आने वाले दिवाली आपके जीवन में ढेर सारे खुशियाँ लाए। जीत रंगोली के आप लोगों के दिवाली की ढेरों सारे शुभकामनाएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस प्रकार के सुंदर सुंदर रंगोली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।